एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लास्ट के जो दो वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैट्स में से क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हो तो आपने क्या क्या चीजें बिजनेस मैथमेटिक्स में मिस कर दी थी, और क्या आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी तरफ से कि आप बिजनेस मैथमेटिक्स में अच्छे से स्कोर कर सको। और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि इको में से कुछ जो टॉपिक्स मैंने आपको पहले नहीं बताए थे वो मैंने सब कुछ कवर कर दिया था। नाउ इन दिस वीडियो ऑल्सो हम अकाउंटिंग के कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक हैं जो कि हर साल ही पूछे गए हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वो डिस्कस करेंगे। एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में क्या चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और क्या क्या चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट डू इट एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं। नाउ आज इतनी क्वेरीज नहीं आई थी तो आई एम होपिंग कि जो भी आपके डाउट्स थे रिलेटेड टू दिस एग्जाम वो अब क्लियर हो चुके हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट अभी भी है मन में तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो, या तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दो, ईमेल कर दो, और नहीं तो कमेंट कर दो, मैं जल्द से जल्द आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और जो एक आध क्वेरीज आई हैं वो मैं वीडियो के एंड में आपको क्लियर कर दूंगी। तो राइट नाउ हम डिस्कस करते हैं अबाउट अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग फोर पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। तो फर्स्ट वन इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपने 11th 12th में तो पढ़ा ही है, और बीकॉम जब आपने अपना ग्रेजुएशन किया होगा उस टाइम भी आपने पढ़ा है। फिर उसके बाद आता है आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये जो तीनों चीजें हैं ये आपने अपने 11th और 12th में नहीं पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने पढ़ी हैं। और अगर देखा जाए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो जिस टाइप के क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से आते हैं वो हमने थोड़े बहुत फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जब 12th और 11th में हमने शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स पढ़ा था, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमने थोड़ा थोड़ा इसमें से कर रखा है। नाउ अब आपको पास चार सब्जेक्ट्स हैं और सिलेबस इनका हर एक जो पार्ट है अकाउंटिंग का उसमें कम से कम 5 से 6 यूनिट्स हैं। तो आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, जितना भी सब कुछ इन्होंने दे रखा है वो सब नहीं पढ़ना है। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन चारों में से वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो ये 25 का वेटेज इन्होंने दे रखा है उसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोल सकते हो क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपने पढ़े हैं और उसके बाद आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और 100% आते हैं हर साल, डायरेक्ट बोल सकते हैं, या तो आपको फॉर्मूला वगैरह बताना होगा या तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो आपको कुछ यूनिट्स वगैरह फाइंड आउट करनी होगी। बट बहुत इजी टाइप क्वेश्चन होता है और सिंपल, अगर आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दोगे उसके लिए तो वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो या तो आप उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में रख लो या फिर आप उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कर लो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से एज सच इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं और क्वेश्चन इतने सारे आते भी नहीं है, या तो उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे 2018 के टाइम पे उन्होंने कोई सेक्शन दिया था और पूछा था आपसे कि ये किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अप्लाई होता है, मतलब ये सेक्शन किस कंपनी के लिए है, पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए। तो थोड़े बहुत तो सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, और हमारी बुक्स के अंदर भी वो दे रखा था, तो ये कोई ऐसे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। और उन्होंने इस तरीके से पूछा है कि सपोज वन पर्सन कंपनी है तो इसमें कितने डायरेक्टर्स होते हैं, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आ रखा है। तो डिपेंड करता है कि या तो वो आपको डायरेक्ट सेक्शन दे देंगे या फिर उसकी जो सेक्शंस है, जैसे कि मिनिमम कैपिटल क्या होनी चाहिए एक पब्लिक कंपनी के लिए, नहीं तो मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए या मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए एक प्राइवेट कंपनी के लिए, इस टाइप के जो छोटे से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो
आपको मुझे नहीं लगता कि अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स देखने की कोई जरूरत है। इलेवेंथ और ट्वेल्थ में जो चीजें थी वही यहां पर ज्यादा से ज्यादा पूछी गई। जैसे 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ अकाउंटिंग, और काफी सारे मतलब लोगों ने बोला था कि ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, बट वो एक्चुअल में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था ही नहीं। अगर हमें याद होता और हमने अपनी इलेवेंथ क्लास की बुक उठाई होती और उसमें देखा होता कि एक चैप्टर था डबल एंट्री सिस्टम, उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक बॉक्स था जो एनसीईआरटी की बुक्स में एक एक्स्ट्रा बॉक्स रहता है हमेशा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ अकाउंटिंग। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था, पर क्योंकि इलेवेंथ क्लास की बुक में था, एनसीईआरटी की बुक में था, तो हमें इतना याद नहीं था। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि जो भी आपके पास एनसीईआरटी बुक है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो उसका, मैंने लिंक भी दे रखी है, या तो आप वहां से डाउनलोड कर लो, नहीं तो डायरेक्ट वेबसाइट आप अपने आप सर्च करके डाउनलोड कर लो। ये पर्टिकुलर टॉपिक और सॉरी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चंस घुमा फिरा के इन्हीं से ही पूछे गए हैं। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक क्वेश्चन है, तो कभी तो उन्होंने ये पूछ लिया कि सेक्शन कौन सा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, कि यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो आप, तो उसका सेक्शन कौन सा है। नहीं तो उन्होंने ये पूछ लिया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज फॉर, और उसके बाद ऑप्शंस दे रखे हैं, आप उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ रखा है कि उन्होंने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और उस पूछ लिया कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है जो कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए यूज कर सकते हो। तो मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम से बहुत प्यार था, तो लगातार 2-3 सालों से क्वेश्चन आ रहा है घुमा फिरा के उसी से। उसके बाद आपका मैंने बताया ब्रेक इवन एनालिसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो फॉर्मुलेस पूछेंगे नहीं तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे जो कि बहुत ही इजी होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आप मान के चलो कि इससे आने ही वाला है। नाउ मैं क्यों इस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, ये आपने 11th और 12th में पढ़ लिया है और कोई नई चीज नहीं है जो आपको नहीं पता थी, या फिर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स ने ना पढ़ी हो और ऑनर्स के ने पढ़ी हो। 11th और 12th हम सब ने किए और उसकी बुक्स हमारे पास अगर हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और बहुत ही ईजी है। एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी। उसके बाद आता है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बुक में दे रखा था वो इतना ज्यादा नहीं मतलब दे रखा था, तो या तो मैं आपको एक लिस्ट ही दे देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ जिसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं और थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है आपको, उससे रिलेटेड चीजें हैं। नाउ कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं कि जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा, तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और ये सारा आपका 11th और 12th के बेसिस पे ही है। उसके बाद कैपिटल, शेयर कैपिटल में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फोर फीचर वाला इतना आई गेस लास्ट ईयर तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था फोर फीचर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फोर फीचर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट शेयर होल्डर इक्विटी से क्वेश्चन आया था कि क्या क्या चीजें शेयर होल्डर इक्विटी में आप ऐड करते हो, जो पर्टिकुलर जब आप एक बैलेंस शीट बनाते हो तो शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या आता है, जैसे कि जनरल रिजर्व आ गया और भी जो बाकी चीजें आप ऐड कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 11th और 12th की बुक देखना, उसमें कंपनीज अकाउंट हमने पढ़ रखा है 12th में, उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। और ये देख लेना कि पर्टिकुलर अगर कोई रिजर्व की बात की है तो वो कब यूज होता है, उसके क्या क्या यूजेज है और कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है इसके लिए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे जर्नल एंट्री के टाइम पे हम किया था कि ये वाला अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं। फिर ये भी हमने 12th में किया था कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो पर्टिकुलर कोई एसेट है तो वो किस सब हेड के अंडर आएगा और किस हेड के अंडर आएगा, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे। देन कैश बुक से कुछ क्वेश्चंस थे, एक एक क्वेश्चन था। तो आप इस पार्ट को कर सकते हो, 11th और 12th की बुक ले लो, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो और ये वाला पार्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम 9 क्वेश्चंस आए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, 9 क्वेश्चंस आए थे कॉस्ट अकाउंटिंग से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से 4 क्वेश्चंस आए थे जिसमें से कि एक था आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन की जो
स्टैंडर्ड्स हैं एक कंपनी के, वो कौन सेट करता है, वो किसका काम है. तो दो तीन ऑप्शंस थे, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट और कुछ इस टाइप के ऑप्शंस थे, और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था. उसके अलावा बजटिंग से एक क्वेश्चन था, और उसमें भी या बजटिंग से था, और मेक और बाय, परचेज डिसीजंस. अगर आपने चैप्टर पढ़ा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, एक नॉर्मल सा टॉपिक है ये, और ये दोनों में है, ऑनर्स में भी है और प्रोग्राम में भी है, कि किसी कंपनी को बनानी चाहिए कोई पर्टिकुलर चीज या फिर नहीं बनानी चाहिए. तो इसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट देखना होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो चाहे आप बनाओ या फिर आप कहीं और से परचेस करो, फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगी. आपको चेक करना है कि वेरिएबल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, जिसका अगर कम होगा, अगर आप कम में बना पा रहे हो तो आप बनाओगे, अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको परचेस करना पड़ेगा. तो कुछ ज्यादा इसमें मतलब ऐसा हार्ड चीज मुझे नहीं लगी. और एक और जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स करके कॉस्ट सेंटर्स होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कुछ डिवाइड कर रखे हैं, कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर, सेल सेंटर, इस टाइप के कुछ सेंटर्स हैं. तो उससे भी एक इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो इस टाइप का था कि आप अपने आप ही बता सकते थे कि अगर कुछ सेल्स से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है वो सेल्स डिपार्टमेंट ही संभालेगा और कोई नहीं संभालेगा, कॉस्ट सेंटर नहीं संभालेगा कोई सेल्स का काम. नाउ कमिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो यहां पर आपके पास जितनी भी थ्योरीज मैनेजमेंट में आपने पढ़ी है, मोटिवेशनल थ्योरी, मैस्लोस थ्योरी, नीड्स थ्योरी, हर्ज़बर्ग थ्योरी, नहीं तो और कौन सी, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स और लिकर्ट्स, आई गेस ग्रिड होता है, टेबल होता है, नहीं तो रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, हाइजीन थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं. इन सब का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि किस थ्योरी में क्या क्या चीजें बता रखी हैं. पूरा डिटेल में मत जाना कि हॉथन एक्सपेरिमेंट था तो कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए और क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ. थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, ओके. और एक पर्टिकुलर थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है वो पता होना चाहिए. तो ये वाला जो काम है आपका वो पूरा हो जाएगा. एंड बोथ फॉर जामिया एंड डीयू, जामिया में बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से आए हैं, मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिकल भी थे, आई गेस 10 to 11 क्वेश्चंस थे प्रैक्टिकल, बट थ्योरी ज्यादा था. तो ये वाला पार्ट मत भूलना. उसके बाद एफएम से एक क्वेश्चन था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, पे बैक पीरियड. तो पे बैक पीरियड अगर आप कुछ लोग इसको स्टैट्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि स्टैट्स में भी आप पे बैक पीरियड फाइंड आउट करते हो कहीं कहीं पे, और एफएम में तो ये पर्टिकुलर है ही, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको बेसिक्स पता है तो. उसके बाद आता है आपका बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ में से लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस आए थे. एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था आपका आईटी एक्ट से, उसके बाद आए थे आपके जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ रखी है उससे, 2018 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन आया था. नाउ बिजनेस लॉ में और भी काफी सारे एक्ट हैं, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ग्रेट्यूटी एक्ट है, और भी कुछ 2-3 आई गेस होंगे एक्ट्स, पर मेनली जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. तो आई गेस कि बाकी जो चीजें हैं वो करनी हो तो कर लेना, वरना आप उसको साइड में कर सकते हो. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और ये आईटी एक्ट भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हो. एक एक क्वेश्चंस तो आप इससे ना पहले से ही सोच के चलो कि 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे इससे. ओके, नाउ कमिंग टू कंपनी लॉ. तो कंपनी लॉ से लास्ट टाइम आपके आए हैं कुछ 2 क्वेश्चंस, और दोनों ही क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि आप नहीं कर सकते. जैसे 2018 में उन्होंने पूछा था आपसे फीचर ऑफ अ कंपनी, 1 पर्सन कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो 1 डायरेक्टर होता है, वो आपका करेक्ट आंसर था. उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं, सपोज उन्होंने बोला कि सेक्शन 68 या फिर 71, सपोज 71 कौन सी कंपनी के लिए है, तो पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट के लिए है, तो या तो आप एक छोटी सी लिस्ट मेंटेन करके रख लो. मैंने इसी तरीके से किया था, मैंने एक छोटी सी लिस्ट मेंटेन करके रख ली थी और देखा था कि कौन कौन से जो कंपनीज है वो कौन कौन से सेक्शन में आती है, और जो मेन कंपनीज थे जो हमने बिजनेस में पढ़ रखा था उन पर्टिकुलर कंपनीज के फीचर्स लर्न कर लिए थे. जैसे LLP के कुछ फीचर्स लर्न कर लिए, प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के, OPC के थोड़े बहुत फीचर्स याद कर लिए थे, तो वो इनफ था इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए. नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो पैटर्न था, आई गेस मैनेजमेंट में से आपके 7 क्वेश्चंस आए थे,
और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इनकम टैक्स लॉ में से. इनकम टैक्स में से जो एक तो आपका डिडक्शन अंडर ATC वो इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि कोई पर्टिकुलर चीज है वो एग्जेम्पशन में आएगी या फिर डिडक्शन में आएगी, या फिर क्या एग्जेम्पशन जो है वो डिडक्शन से ज्यादा हो सकती है या डिडक्शन कम हो सकती है, और कोई पर्टिकुलर जो सैलरी है वो कौन से हेड में आएगी, कोई पर्टिकुलर इनकम है वो कौन से हेड में आएगी, सैलरी में आएगी, अदर सोर्सेज या हाउस प्रॉपर्टी. कुछ TDS लिमिट के बारे में क्वेश्चन था, और मोस्टली जो करंट अफेयर्स भी होते हैं आपके, स्पेसिफिकली मैं DU की बात कर रही हूँ, वो इनकम टैक्स में से आते हैं आपके. थोड़ा बहुत भी चेंज आया होगा किसी चीज में, जैसे कि इनकम लिमिट में अगर कोई चेंज आया टैक्सेबल इनकम में, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो इसके 9 क्वेश्चंस आए थे एंड दिस इज इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स के टाइप में 3 क्वेश्चन थे इसमें. तो ये चीज इम्पॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से कर लेना तो आपके 15 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में से आपके 9 आए और मैनेजमेंट में से ना चाहते हुए भी अगर मान लो 8 to 7 या 6 या 7 क्वेश्चंस भी आते हैं तो काफी हो जाता है. ओके नाउ वैसे तो देखो बहुत इजी है इसको क्रैक करना, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना पढ़े तो नहीं हो पाएगा. जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो आप कर सकते हो और इनमें से क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो बिना डरे. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेरीज. सो किसी ने मुझसे बोला था कि आप अपने नोट्स शेयर कर दो. तो मैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं शेयर करने के लिए रेडी हूं. मैं लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगी. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, नहीं तो कमेंट कर सकते हो कि आपको वो चाहिए. क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए थे वो अपने पढ़ने के हिसाब से बनाए थे, तो काफी सारी चीजें उसमें एक्स्ट्रा भी हैं. तो कल को फिर कुछ लोग बिना वीडियो देखे डायरेक्ट वो नोट्स डाउनलोड कर लेंगे और फिर बाद में कहेंगे कि ये वाले टॉपिक्स तो आपने बताए नहीं थे और इतना सारा था ये वो. तो इसलिए अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो अब आपको पता है कि उसमें एक्स्ट्रा भी है काफी सारा. तो आप कल को ये मत कहना कि आपने बताया नहीं था. अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे तो मैंने उनको स्कैन कर रखा है और आप मुझे मेल कर दो, मैं आपको PDF उनका सेंड कर दूंगी. बट जस्ट रिमेम्बर कि उसमें सिर्फ मतलब जितनी चीजें मैंने बताई हैं उतनी ही है, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से करना पड़ेगा प्रिपेयर. तो मुझे तो ये था कि कुछ चीज रह ना जाए, तो जो भी चीज मुझे लगता था कि अच्छा ये वाली चीज आ सकती है तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी और अच्छे से याद कर रखती थी. एट दी एंड जब मैं एग्जाम देने भी जा रही थी उस वक्त भी मैं ना थ्योरीज देख रही थी कि कोई थ्योरी रह ना गई हो. और बाय चांस जो एक क्वेश्चन आया था वो उन्हीं थ्योरीज में से आया था जो मैंने जब मैं अपने सेंटर जा रही थी उस वक्त मैंने पढ़ी थी. तो मैंने एट दी मतलब लास्ट मोमेंट तक मैंने पढ़ा था, तो काफी सारी इधर उधर की चीजें भी मैंने पढ़ ली थी जो काम की नहीं थी, बट आई डोंट रिग्रेट. तो अगर आपको वो चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन, या तो डायरेक्ट मेल आईडी आप कमेंट में कर सकते हो अपनी, या फिर अगर आपको वो सेफ नहीं लग रहा है तो आप मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है और आप उसको आप वहां से मेल आईडी लेके मुझे मेल कर दो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, या अगर आपको PDF चाहिए तो इसका. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ. JMI के और DU के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और मैंने लिंक में भी दे रखा है. सो आई गेस दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो. सो थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग. ऑल द बेस्ट.